दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे कि रॉयल क्यू में कैसे आप आपके अकाउंट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दिखा रहा है कि मेरा अभी $10 SLP में माइनस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जैसे कि फ़ंड के ऊपर डिपेंड किया, जैसे कि मेरे वैलेट में फ़ंड है, USDT बैलेंस जीरो हो गया क्योंकि मैंने लगभग $150 पे दो ट्रेड लगाई थी। ठीक है, बहुत सारे दोस्त क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 पे वो लगभग अगर मान के चलिए कितनी ट्रेड लगा रहा है, $10 यानी कि $100 पे एक ट्रेड वो लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही बिटकॉइन डाउन हुआ, जैसे ही बिटकॉइन मार्केट में थोड़ा सा क्रैश होता है तो अल्ट कॉइन जितने भी होते हैं उससे समथिंग कुछ ज़्यादा परसेंट में डाउन होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं पूरे मार्केट में क्या हाल हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अभी वो अभी कल मेरा एक दोस्त से बात हुआ था, उन्होंने बताया कि सर मेरा माइनस चल रहा है। तो माइनस सर इसलिए चल रहा है कि आपने यहाँ पर जो आपके अकाउंट को सही तरह से मेंटेन नहीं किया, यानी कि आपने यहाँ पे लालच किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने रॉयल क्यू में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए और आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग तरीके से। ठीक है, तो चलिए वो दिखा देता हूँ आपको किस तरह से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट है $100 का, ओके, मैंने यहाँ पे आपने $100 का अकाउंट मैनेज किया। ठीक है, आपने क्या किया, दो ट्रेड लगा दी, मार्केट डाउन होगा, अगर आपने ट्रेड जो $10 से स्टार्ट किए थोड़ा सा डाउन होगा 2% 3% जो भी आपने सेटिंग रखी है उस हिसाब से, तो जो आपका फंड होगा वो जब तक वो एक एवरेज बनाने के लिए बाय करता रहेगा। ठीक है, कुछ परसेंट डाउन हुआ तो $20 का परचेज़ करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, वापस कुछ परसेंट डाउन हुआ तो वो $40 का परचेज़ करेगा क्वांटिटी, ओके। तो आपका जब भी वो $100 अगर पूरा हो जाएगा तो वो आगे नेक्स्ट अगर मार्केट अचानक अगर डाउन होता है तो आगे उसके पास बाय करने के लिए उसके वैलेट में, यानी कि आपके वैलेट में जो फंड होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर डाउन होता है तो आप बोलते हो मैं यहाँ पर थोड़ा फंस गया हूँ, तो वैसे आपको ट्रेड नहीं करनी है, लालच नहीं करना है। मैं आपको जो है रियल बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक मिनट कि आपने यहाँ पे मिनिमम करना है $300 पे एक करेंसी का पेयर लेना है, कोई भी एक करेंसी चूज़ करिए। ठीक है, $10 से आपने ट्रेड ओपन किया, नेक्स्ट मार्केट डाउन होता तो $20 से परचेज़ करेगा, नेक्स्ट मार्केट डाउन होता तो $40 से परचेज़ करेगा, उसके बाद में भी डाउन होता है तो $80 से वो परचेज़ करेगा। ठीक है, ये आपका अकाउंट जो